इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अनन्या के फादर आयुष्मान के सामने कुछ शर्तें रख देते हैं ताकि वो एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। अब जिन्होंने पार्ट वन देखा हुआ है वो आयुष्मान के हिडन टैलेंट को जानते हैं, तो बस इस पार्ट में वो उसी टैलेंट का यूज करके किस तरह से पैसा कमाने के जुगाड़ में लग जाता है और उसकी वजह से क्या क्या भसड़ मचती है, इस फिल्म में यही देखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो ये कॉमेडी फिल्म है और जहाँ नॉर्मल फिल्म्स में ही लॉजिक नहीं ढूंढा जा सकता तो इस फिल्म में तो लॉजिक की बात करना बेकार ही है। उसके बाद कहानी भी नई नहीं है, पर हाँ उसमें होने वाली बहुत सी छोटी छोटी चीजें आपको पहली बार देखने को मिलेगी जिसकी वजह से कहानी फ्रेश फील होगी। लेकिन कॉमेडी के नाम पर बहुत सारे सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड जोक्स यूज किए गए हैं, मतलब इनकेस अगर आपने वो जोक्स पहले से सुन या पढ़ रखे है तो आपको इस फिल्म की कॉमेडी खास नहीं लगेगी। पर दूसरी कंडीशन में आपको बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी मिलेगी कि आप ठहाके मारकर हंसने लग जाएं, और उनमें से कुछ एक डबल मीनिंग भी है तो कुछ एक इनडायरेक्शनल एडल्ट जोक्स भी। बाकी फिल्म का फर्स्ट हाफ बीच बीच में स्लो हो जाता है और सेकंड हाफ का लास्ट पार्ट थोड़ा अजीब सा है, पर फिल्म की कहानी अपने मेन प्लॉट पर ही रहती है तो एटलीस्ट व्यूअर का इंटरेस्ट बना रहता है। एक्टिंग की बात करूं तो सिर्फ एक एक्टर को छोड़कर सभी एक्टर्स एक से बढ़कर एक है जिन्हें स्क्रीन पर देखने में मजा आता है। अब ओवरऑल बात करूं तो फिल्म की कहानी ओल्ड के साथ कुछ फ्रेश फील भी देती है और कॉमेडी का एक्सपीरियंस सबके लिए अलग अलग हो सकता है। डायरेक्शन और एडिटिंग में कुछ कमियां हैं, इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें ना रखें तो फिल्म ठीक ठाक टाइम पास कर देगी।